देखिए इस तरीके से मैंने एक मेन फैब्रिक लिया है, अंदर इंसर्ट करने के लिए बुकरम, राइस बैग, आटा बैग, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल ऑप्शन है, फॉर्म शीट, रबर शीट, वो आप ले सकते हैं, और एक नीचे लाइनिंग का पीस लेना है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको, मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग है वो मैंने सेम मेजरमेंट के लिए है। इसकी विड्थ है 9 इंच और इनकी लंबाई है 13.5 इंच। तो ये 2 पीसेज हैं, और एक मैंने ये लिया है लाइनिंग वाला पीस, इसकी विड्थ भी सेम है 9 इंच इसकी विड्थ है, और इसकी लंबाई है 14.5 इंच। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रखा इस तरीके से, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारे पास ये वन पीस रेडी हो जाए। ये देखिए, ये सिलाई लगा के मैंने इसे रेडी कर लिया। 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं, लाइनिंग वाला कपड़ा लेते हैं और इसमें हम पॉकेट्स लगाएंगे। तो पॉकेट्स लगाने के लिए देखिए इस तरीके से 2 पीसेस लिए मैंने, इसकी विड्थ सेम है इसके बराबर 9 इंच, और इसकी लंबाई मैंने ली है, इन दोनों पॉकेट्स की लंबाई है 4 इंच। तो चलिए हम लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसे साइड पे रखिए एक पॉकेट, किसी भी एक पॉकेट को इस तरीके से ऊपर से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के फिनिश कर ली। ये देखिए, एक तरफ से मैंने सिलाई लगा ली। अब हम इसे लाइनिंग वाले पीस के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां से अप्रोक्सीमेट 1.5 इंच का गैप छोड़ना है। और ये जो हमने स्टिच किया इसे रखना है यहाँ पे, नीचे की तरफ से फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। इसके यहाँ तीनों तरफ सिलाई लगा लीजिए और एक सिलाई बीच में लगा लीजिए। सिलाई लगा ली इस तरीके से, पॉकेट अटैच हो गई। अब दूसरी वाली पॉकेट लेनी है, एक जिप लेनी है, और 2 इस तरीके से छोटे छोटे कपड़े के पीसेस चाहिए। जिप मैंने ली है 7.5 इंच की, मैंने जिप ली है, और ये 2 पीसेस लिए हैं मैंने 1.5 इंच बाय 3.5 इंच के 2 पीसेस लिए हैं। तो पहले हम जिप को साइडों से फिनिश करेंगे। तो यहां से फोल्ड करना है, यहां से फोल्ड करना है इस तरीके से। ये फोल्ड कर दिया, जिप को यहाँ बीच में रखना है ऐसे, और इस पे सिलाई लगा लीजिए इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ। ये मैंने दोनों साइडों से पट्टी लगा दी। अब इसे जिप को यहाँ पे रखना है इस तरीके से, इसके ऊपर, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा। देखिए, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ टॉप स्टिच, ये देखिए मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। अब हमें क्या करना है, एक लाइनिंग वाला पीस लेना है, इसकी विड्थ सेम ली है, इसके बराबर इसके विड्थ है, और इसकी लंबाई इस नीचे वाले से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली हुई है। तो अब हमें क्या करना है, ये पीस रखा इस तरीके से, इसके ऊपर ये लाइनिंग वाला कपड़ा रखना है, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई, से लेके यहां तक सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए इस तरीके से, देखिए हमारी पट्टी सी बन जाएगी ऊपर की तरफ इसे जब आप इस तरीके से बराबर करेंगे। अब यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए इस तरीके से, स्टिच कर लिया तो हमारी पॉकेट बन गई। अब आपको क्या करना है, इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे हम। वो कैसे करना है, ये वाले पीस से 5.5 इंच पे आपको निशान लगाना है यहाँ पे, यहां से 5.5 इंच पे निशान लगाया, नीचे की तरफ से इसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से, फोल्ड कर दीजिए इस निशान के ऊपर रखिए, ये देखिए इस तरीके से। अब यहां से लेके यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगी, मैंने लगा लिया। तो इसमें हमारी 2 पॉकेट्स बन गई देखिए इस तरीके से, एक जिपर पॉकेट तो हमारी यहाँ पे बन गई देखिए, और एक पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई। तो एक ही बारी में हमारी 2 पॉकेट्स बन गई। तो 2 पॉकेट्स ये बन गई, 2 छोटी पॉकेट हमारी ये बन गई। तो चलिए हम इसे आगे बनाते हैं, हो गया था। अब हमें क्या करना है, ये वाला पीस लीजिए, इसे इसके ऊपर रखना है, यहाँ पे रखा इस तरीके से, यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा करते हुए इस तरीके से, इसे नीचे वाला जो है इसे ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे ब्लैक वाले की तरफ जो प्रिंटेड है यहाँ पे टॉप स्टिच लग, ये देखिए मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो जब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखिए इस पे ऑटोमेटिकली इस तरीके से यहाँ से बराबर करेंगे तो हमारी ये पट्टी सी बन जाएगी। अब हमें करना है अंदर की तरफ से सिलाई लगानी है। तो ये रखा, इस वाले कॉर्नर को बिल्कुल इस कॉर्नर से मिला दीजिएगा, तो ये आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, जो हमने एक्स्ट्रा इसीलिए रखा था कि हमारी यहाँ पे पाइपिंग बने। अब इसे यहां से मैंने मिला दिया, ये चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, एक तरफ से कहीं से भी छोड़ दीजिएगा जहां से हम इसे सीधा करेंगे। तो यहां से लेके यहां तक पूरे पे, ये देखिए इस पे मैंने सिलाई लगा दी, बस एक तरफ से छोड़ दिया, यहां से लेके यहां तक एक सिलाई और यहां से लेके यहां तक एक सिलाई, यहां से थोड़ा सा छोड़ दिया, यहां से अब हम इसे सीधा कर लेंगे।
सीधा कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पे पूरे पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। यहां से लेके ये ब्लैक वाले पे पूरे पे टॉप स्टिच में इस पे टॉप स्टिच लगा लिया, यहां से लेके यहां तक। तो ये वन पीस इस तरीके से रेडी हो गया। ये हमारा ऐसे आएगा और इसके ऊपर हमारा इस तरीके से देखिए फ्लैप आएगा। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसमें वेलक्रो लगा लेते हैं, वेलक्रो या मैग्नेटिक बटन जो भी आप लगाना चाहें। तो ये मैंने वेलक्रो का पीस लिया इस तरीके से, एक पीस यहाँ पे आपको लगाना है क्योंकि ये हमारा ऊपर की तरफ इस तरीके से आएगा, और एक पीस यहाँ वेलक्रो का एक पीस मैंने इस तरफ लगा लिया, एक पीस इस तरफ लगा लिया और एक पीस इस तरफ लगा लिया यहाँ पे इस तरीके से। ये वाला वेलक्रो का पीस लगाने के लिए ये वाली पॉकेट को मैंने थोड़ा सा उधेड़ दिया था बीच में से, ताकि हम इस तरीके से इसे नीचे की तरफ करके और वेलक्रो को लगा सकें, नहीं तो ये पॉकेट बीच में आ रही थी। अब आपको क्या करना है, जो पॉकेट उधेड़ी हुई है इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर इस पे सिलाई लगा ली। ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पॉकेट की दोबारा से सिलाई लगा ली, जो मैंने सिलाई उधेड़ी थी इस तरीके से वेलक्रो लगाने के लिए, वो मैंने सिलाई इस पे दोबारा से लगा लिया इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा फोल्ड होगा और ये हमारा इसके ऊपर आएगा। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसकी साइड्स देखिए, इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है, एक प्रिंट का और एक प्लेन का, इससे एक साइड बनेगी, एक प्रिंट का और एक प्लेन का, इससे एक साइड बनेगी। क्या है, सबसे पहले हम इसे ऊपर की एक तरफ से शेप दे देते हैं। तो दो पीसीज रखे, एक प्रिंट का और एक प्लेन का, इसे यहाँ से ऊपर की तरफ से एक तरफ से किसी भी एक तरफ से इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे दीजिए। अब इसी गोलाई में इसकी कटिंग कर लीजिए, ये मैंने इसकी कटिंग कर ली इस तरीके से, सेम गोलाई इस पे भी दे दीजिए। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, एक तरफ से थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, वहां से हम इसे सीधा करेंगे। चारों तरफ सिलाई लगा दी, एक तरफ से छोड़ दीजिए, यहां से इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए दोनों साइड्स मैंने सीधी कर ली हैं और सीधा करके अच्छे से प्रेस कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ एक तरफ से इस पे सिलाई लगानी शुरू करनी है, यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा इस पे सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगाना दिखाती हूँ। ये एक साइड ली, यहाँ से जो हमारी ये वाली पॉकेट है यहाँ से हमें शुरू करना है, यहाँ पे इसे रखना है और पूरा गोल घुमाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने इस पे पूरा इसकी साइड को अटैच कर लिया। ये देखिए, तो एक साइड अटैच हो गई, ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी करनी है, दूसरी तरफ भी करनी है। तो यहाँ से सेम कॉर्नर पे इसे रखना है और पूरे राउंड में हम इस पे सिलाई लगा। ये साइड भी मैंने अटैच कर ली सेम इसी तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से, ये देखिए ये साइड भी ज्वाइन हो गई, ये साइड भी ज्वाइन हो गई। और अंदर देखिए वाइट स्पेस है, काफी ज्यादा सामान आ सकता है आपका इसमें। एक पॉकेट हमारी यहाँ है, एक जिपर पॉकेट यहाँ है, दो छोटी कार्ड्स के लिए पॉकेट यहाँ है। इस तरीके से वेलक्रो एनक्लोजर के साथ ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए साइड्स, बैक साइड बिल्कुल रेडी टू यूज।